हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कार माय ड्रीम। मेरा नाम है उमर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्कोडा लॉरा, जो आज भी सेल पर अवेलेबल है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, वीडियो करते स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, वीडियो करते स्टार्ट। तो एक बार दिखा देता हूँ आपको इसका इंजन। तो ऐसी कुछ इसके इंजन की कंडीशन, बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन कंडीशन है। 1.9 TSI इंजन इसमें आपको देखने को मिलता है। तो एक बार देखेंगे आप इसकी फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी कुछ इसकी लाइट्स, प्रोजेक्टर लैंप्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि एक बहुत प्रीमियम लुक देते हैं लग्जरी कार का। नीचे की तरफ फॉग लाइट का ऑप्शन और ऐसी कुछ है फ्रंट प्रोफाइल, क्रोम ग्रिल यहाँ पर देखने को मिलती है। और ले चलो अगर आपको साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ऐसी कुछ इसकी साइड प्रोफाइल। अभी तक 16% टायर रिमेनिंग है, 16 इंचेस के इसमें अलॉयज देखने को मिलते हैं। थोड़ा ऊपर की तरफ आपको ऑटो फोल्ड साइड मिरर विद टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन, और इसकी भी आप एक बार पूरी साइड प्रोफाइल देखोगे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी कंडीशन में है ये गाड़ी, बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में है। तो ले चलो अगर आपको अभी बैक प्रोफाइल की तरफ, तो ऐसी कुछ है बैक प्रोफाइल इसकी। TS की बैजिंग, लॉरा की बैजिंग मिलती है यहाँ पर। नीचे की तरफ चार पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं आपको, जो कि बहुत प्रीमियम लुक देती है गाड़ी को। तो ऐसे कुछ इसकी बैक प्रोफाइल। अब यहीं से आपको इसका बूट एक्सेस करके दिखा देता हूँ। तो ऐसी कुछ इसकी बूट स्पेस, तकरीबन 450 लीटर की आपको इसमें बूट स्पेस देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बड़ी होती है इवन अगर आप लॉन्ग ट्रिप पर भी जाए। और यहाँ पर दो लाइट्स देखने को मिलती है, जो कि रात के टाइम पर आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो ऐसी कुछ है इसकी बूट। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर और अंदर से आपको इसकी डिटेल बता दो। तो ऐसा कुछ है इसका ड्राइवर साइड डोर, डुअल टोन इंटीरियर इसमें आपको देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ ब्लैक, नीचे की तरफ बेज इंटीरियर और बीच में वुडन ट्रिम, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देती है गाड़ी को। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपके पूरे विंडोज़ के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पूरे ऑटो फोल्ड साइड मिरर के एडजस्टमेंट, नीचे की तरफ कप ग्लास बॉटल होल्डर। तो यहाँ पर आपके पूरे लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। और थोड़ा अंदर बैठ के आपको बता देता हूँ, ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। 240 की इसमें आपको टॉप स्पीड देखने को मिलती है। थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आऊँगा तो यहाँ पर आपको एक स्टोरेज देखने को मिलती है, और नीचे की तरफ दो AC विंड्स। और ये है इसका पूरा ऑडियो सिस्टम, जिसमें आपको मिल जाता है ऑक्स, FM, साथ ही साथ आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर का डिस्प्ले भी मिल जाता है। एक बार आपको ऑन करके बता देता हूँ। तो ऐसा कुछ है इसका डिस्प्ले। नीचे की तरफ 2-zone क्लाइमेट्रॉनिक AC का ऑप्शन है, और यहाँ पर एक छोटा सा कंपार्टमेंट। और ये है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। थोड़ा नीचे की तरफ आपको यहाँ लॉक और अनलॉक का ऑप्शन है डोर का, और चार्जिंग की कनेक्टिविटी और हैंड ब्रेक का ऑप्शन। यहाँ पर दो कप होल्डर और आर्म रेस्ट में सफिशेंट सी स्टोरेज, और साथ में ऑक्स की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल ऐसी कुछ है ये कार, जैसे कि आप देख सकते हो अभी कार स्टार्ट है, कोई भी नॉइस नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल ही साइलेंट कंडीशन में है। नीचे की तरफ कंपनी फिटेड स्पीकर, ऊपर की तरफ ट्विटर्स देखने को मिलते हैं, और वुडन के नीचे यहाँ पर ग्लो बॉक्स का ऑप्शन। तो ऐसी कुछ है ये कार। चलिए अब चलते गाड़ी के पीछे, पीछे से आपको बताऊँ। तो आ चुके गाड़ी के पीछे, देख सकते हो लेफ्ट डोर से स्टार्ट करूँगा। तो ऐसे कुछ है इसकी डोर्स की कंडीशन। डुअल टोन इंटीरियर इसमें आपको देखने को मिलता है, नीचे की तरफ बेज, ऊपर की तरफ ब्लैक, बीच में वुडन ट्रिम, जो कि काफ़ी शानदार लुक दे रही है गाड़ी को। और बात करूँ इसके सीट कवर्स की, तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है अभी न्यू फिटेड है,
हालांकि ये कंपनी फिटेड सीट कवर है, कंडीशन आपके सामने है। और बात करूँ मेरे लेग रूम की तो बहुत सफिशिएंट है, ये सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है। और हेड रूम भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरे से ज़्यादा भी हाइट का बंदा अकॉर्डिंग आराम से बैठ सकता है। यहाँ पर दो एसी विंड्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर छोटा सा स्टोरेज। तो चलते हैं अब गाड़ी के बाहर, बताता हूँ आपको इसकी डिटेल और प्राइस। चलिए तो बता देता हूँ इसकी भी आपको डिटेल्स। स्कोडा लॉरा है, 2012 का मॉडल है और 51,000 किलोमीटर ड्रिवन है, महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन है और पेट्रोल वेरिएंट में है ये कार। और जो प्राइस है इसका वो है सिर्फ़ और सिर्फ 3,75,000, जो कि नेगोशिएबल है। तो आप में से जो कोई भी ये गाड़ी में इंटरेस्टेड है, स्क्रीन पे ये नंबर जो चल रहा है, फटाफट से इस नंबर पे कॉल करो और अपनी डील करेक्ट कर लेना वरना चली जाएगी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे नीचे कमेंट कर भी बता सकते हो कि आपकी कौन सी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा तो काम है आपके ड्रीम को पूरा करना। अगर बात करूँ लोन के रिगार्डिंग, तो लोन ओनली महाराष्ट्र में अवेलेबल है और जो मेरे भाई बाहर से देख रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है पर्सनल लोन का। आप पर्सनल लोन लेकर भी गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं हमारे यहाँ से। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इंस्टाग्राम हैंडल आपके सामने आ रहा होगा तो फॉलो कर लेना। जो भी हम गाड़ी लाते हैं पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं।